घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभावल का YouTube चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताएं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें और ये नॉलेज सब तक पहुँचाएँ कि हम निःशुल्क संगीत सिखा रहे हैं यूट्यूब पर। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि टाइटल से और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि 8 लयों का अभ्यास कैसे करना है एक के बाद एक, वो आज हम सीखने जा रहे हैं कि ठा दुगुन तिगुन चौगुन पाँचगुन छःगुन सातगुन आठगुन, है ना। इसको हम सबसे पहले गिनती में समझेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इसे तालों में अभ्यास करेंगे। जैसा कि अगर आप संगीत प्रभावल से सीख रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि पहले हम ठा सीखते हैं, फिर दुगुन, फिर चौगुन, फिर अठगुन, और उसके बाद ये जब दो दो की फैमिली खत्म हो जाती है फिर हम तिगुन में जाते हैं, तिगुन जब आ जाती है तो छःगुन में जाते हैं, जब ये हो जाता है फिर हम तिगुन से रिलेटेड जैसे कि आड़ है ना, डेढ़ गुना है, फिर पौन गुना है, इनको हम समझते हैं। उसके बाद हम कुछ ऑफ बीट का अभ्यास करते हैं, जो दुगुन में ऑफ बीट है, चौगुन में ऑफ बीट है, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कुछ जो सिलेबस है ताल लय का, ये आपके सामने है, जो यहाँ स्टूडेंट सीखते हैं उनको भी यही सिलेबस दे रखा है मैंने और ऑनलाइन वालों को भी यही सिलेबस दे रखा है। और कुआड़ बेआड़ के बारे में थोड़ी नॉलेज लिख कर आपको आई जाती है, उसको हम प्रैक्टिकली बोलना नहीं सीखते हैं बिकॉज पहले उसके लिए पाँच गुना और सात गुना करना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि पाँच गुने का एक चौथाई होता है हमारा सवाई यानी कि कुआड़ और सात गुने का एक चौथाई हमारा होता है बेआड़, है ना, यानी पौने दो गुना, ठीक है। तो वो बाद की चीज़ें हैं, उससे पहले हम ये सिंपल लयों को अच्छे से अपना कमांड उन पर पा लेते हैं। और फिर हमने जो अभी दो तीन नई लयें आपको बताई हैं, जैसे 2/3, 4/3, 8/3, ये जो तीनों एक ही दर्जे की लय हैं वो क्या होता है और इनका पौन डेढ़ और तीन से क्या रिलेशन है, वो मैंने सारा वीडियोस में क्लियर किया हुआ है। आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वैसे मैंने एक अलंकार दिया था, मैंने अलंकार दिया तो क्या था, पहला पेज का अलंकार है हमारी स्वरांगिनी की जो किताब है सारे गम पद निशा, ये 8 में है, सासा रे ग म, ये 16 में है, मतलब भाई 8-16 एक ही बात है। फिर तीसरा अलंकार सारे ग रे ग म, ये 3-3 के छंद में, फिर सारे ग म रे ग म प 4-4 के छंद में, सारे ग म प रे ग म प ध ग म प धनी, ये 5 के में है, सारे ग म प ध रे ग म प धनी ग म प धनी सा 6 में है, सारे ग म प धनी रे ग म प धनी सा ये 7 में है, और सारे ग म प धनी सा सानी धपम वगैरह सा ये 8 में है। तो मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने इसी पूरे पेज को बोला था कि 8 लयों में आप कीजिए, पहला अलंकार बजाएं तो ठा में, दूसरा बजाएं तो दुगुन में, तीसरा बजाएं तो तिगुन में, चौथा बजाएं तो चौगुन में, पांचवा बजाएं तो पांचगुन में, छठा बजाएं तो छःगुन में, सातवां सातगुन और आठवां आठगुन में, है ना। वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था और उसको सोनू निगम साहब ने अपनी फेसबुक पर भी शेयर किया था उस वीडियो को। तो उससे ही मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको आप गिनती में बोल के एक बार अभ्यास करें, फिर आप उसको अलंकार को भी बजा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हमें 8 तक की गिनती गिननी है, एक के बाद एक, एक एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ऐसे करके 8 तक जाना है, लेकिन हर बार आपकी लय अलग अलग होगी। अभी मैं टेम्पो लगा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ ऑलरेडी, टेम्पो परफेक्ट मेट्रोनोम ऐप है, कोई सा भी मेट्रोनोम ऐप आप ले सकते हैं, पर टेम्पो परफेक्ट में क्या एक खास चीज़ है कि इसमें आपको सब डिविजन्स मिल जाते हैं, सब डिविजन्स यानी आप उसमें लयकारियाँ बढ़ा सकते हैं, यानी उसी लय में, जैसे कि ये टेम्पो आप सुन सकते हैं, 45 का टेम्पो है, है ना। अब इसमें मैं एक तो मैन्युअली खुद से आपको करके दिखाता हूँ 8 लय, और एक है कि आप इसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि ये सब डिविजन कर दिया तो ऑटोमेटिक इसमें दुगुन आ गया, ये सब डिविजन कर दिया तिगुन आ गया, सब डिविजन में 4 कर दिया तो चौगुन आ गया, ये 5 आ गया, है ना, ये चेक करने के लिए साथ में, ये 6 गुना है, 7 गुना, ये 8 गुना, है ना। तो ऐसे आप सब डिवीजन इसमें लगा सकते हैं, ये मेरे ख्याल से और किसी एप्लीकेशन में मुमकिन नहीं है शायद तक, इसीलिए ये एप्लीकेशन मुझे समझ आई कि इसमें हो सकता है, बाकी अगर आपको कोई मिलता है तो आप वो एप्लीकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 45 का टेम्पो मैंने यहाँ लगाया, अभी मैंने नन कर रखा है सब डिवीजन और उस पर हम अभ्यास करेंगे, जैसे कि एक एक दो, ताली लगाइएगा साथ में, तब और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और ये तो आप जानते हैं कि जब हम संगीत में ताली लगाते हैं तो ताली के दो हिस्से होते हैं, एक गिरना एक उठना, तो हम उसको रिस्ट मूवमेंट से दिखाते हैं, ये झटका हम देते हैं, तो इससे क्या होता है, वो बोलना हमारे लिए आसान हो जाती है। तो 8 लय का अभ्यास अगर करना है तो दो दो हिस्से करने होंगे, एक, है ना, एक डैश एक दो, ऐसे करके आप लय के साथ कीजिए जैसे टेम्पो चल रहा है ना, एक एक दो,
एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक। इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपने तालें सीखी, दादरा सीखी, आपने झपताल सीखी, आपने रूपक सीखी, आपने कहरवा सीखी, आपने एक ताल सीखी, आपने तीन ताल सीखी, ये कुछ प्रचलित ताले तो आपने सीखी। आपने हमारे अगर चैनल से जुड़े हो तो आपने पंचम सवारी, दीप चंदी, धमा, चार ताल, आड़ा चौताल, ये सब आपने सीखी हुई है। लेकिन इनके छंद जो है वो थोड़े अलग नहीं है जितने कि ये जो मैंने चार पांच छंद आपको गिना चुका हूं मैं, जो ताल की जातियां हैं, तिस्त्र जाति यानी तीन का छंद, चतुस्त्र जाति यानी चार का छंद, खंड जाति यानी पांच का, और पांच का कैसा, दो तीन, दो प्लस तीन करके, मिश्र जाति यानी सात का जिसमें तीन दो दो, और संकीर्ण जाति यानी नौ का जिसमें दो 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 तीन, है ना, दो 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 छह और तीन नौ, ठीक है। तो इसमें से ये तीन जातियां आती है, जब आप छह गुना करेंगे या तीन गुना करते हैं तो दिमाग में दादरा चलाइए, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, और जब पांच गुना करते हैं तो झपताल चलाइए, पांच गुना चलाइए, जब जब आप छह गुने पे जाते हैं तो छह चला जाइए, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, और सात में जब जाते हैं, सात गुने में जाते हैं तो रूपक चलाइए, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, वजन वैसा ही जाना चाहिए, एक दो तीन चार पांच छह सात। जब इसको गिनती में अच्छे से कर लेंगे तब फिर तालों की ये लयकारियां आप कर पाएंगे, मुमकिन होगा तब, ठीक है। तो एक बार फिर से हम करते हैं और उस चीज का ध्यान रखें, उस वजन का ध्यान रखें, सुनिए ध्यान से, एक एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, एक एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, 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 एक दो तीन चार, दो तीन चार पांच, एक दो तीन, वही चल रहा है, धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना, है ना। इसको आप बस इसमें छंद को यहाँ स्विच कर लीजिए तो चार के बाद पांच कर पाएंगे। जब धीरे धीरे ये करने लग जाएंगे फिर एक एक ताल की भी हम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ आठ छंदों की प्रैक्टिस बता रहा हूँ रेगुलर। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन, ये छह गुना, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात, 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 एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बारीकी बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है, ये चालें हैं जो धीरे 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 थोड़ा 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 बढ़ती हैं आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में, जो अभी जो मैंने दो बटा तीन और चार बटा तीन का बताया, डेढ़ गुना पौन गुना बताया, तो वो पता है मैंने क्यों बताया। ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल लय हैं, पर उनको जब समझोगे तो समझ आएगा कि उनका यूज कहाँ है। जब आप दो गुने से तीन गुने में जाते हो तो आप कितना गुना कर रहे हो, ये समझो ना। जब दो से चार में जाते हो सबको पता है हम दो गुना कर रहे हैं, हैं? चार से आठ में जाते हैं सबको पता है हम दो गुना कर रहे हैं, चार से आठ में गए। लेकिन जब दो से तीन में जाते हो या तीन से चार में जाते हो तब कौन सा गुना है, एक से दो में जाते हो दो गुना है, दो से तीन में कौन सा गुना है। तो ये सारी चीजें समझने की होती हैं, कोई मुश्किल इतनी बड़ी बातें भी नहीं। आपने अगर मेरा चार बटा तीन, दो बटा तीन वाले वीडियो देखे हो तो आपको समझ आएगा कि वो चार गुने की लय है, हम उसी में बस थोड़े से ऑफ करके, जो ब्रेक करके ऑफ बीट्स करके कर रहे हैं, तो उससे वो बनता है, इससे लय में मजबूती आती है। तो अभी आपने देख ही लिया कि आप आठ गुने तक कैसे जा सकते हैं, तो पहले अच्छे से एक बार इसे कर लीजिए, फिर क्या कीजिएगा आप। मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि आसानी से कोई सी भी लयकारी करनी हो तो क्या करना होता है कि जितनी मात्रा की आप कर रहे हो, जैसे मान लो 10 मात्रा की आपको छह गुन करनी है, तो क्या करना, छह गुने के छंद में 10 मात्रा को बोलो बार बार, उससे पहले उसको छह गुने में बोल लो, जैसे कि चल रहा है ये लय है, एक दो तीन चार पांच है, एक दो तीन चार पांच है, एक पहले छह गुने के छंद को बिठाओ, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, फिर ये छह तक गिन रहे हो, दस तक बोलते रहो लेकिन लय यही, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस एक। ऐसे करते करते कभी ना कभी तो वो सम पे आ ही जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि 10 मात्रा का छह गुने में छंद कैसा रहता है, चलन कैसा रहता है। बस यही चीज आपको सात के साथ भी करनी है, सात गुना ले लो, 10 मात्रा का ही कर रहा हूं फॉर एग्जांपल लेते हुए, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस एक। ये आपने 10 मात्रा का सात गुना कर दिया, करना कुछ नहीं है, सात गुने के छंद को एक बार दिमाग में बिठा लो, फिर उसमें मात्राएं बढ़ाते जाओ, हर लयकारी को करने का यही तरीका है। उसके बाद आप उस ताल के छंद पर
ध्यान दो, उस वजन पर ध्यान दो, पर एक बार उसे उस लय में, उस लहजे में बिठा लो, फिर उसका वजन दो, है ना, कि धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, क्यों, वो बजेगा तो वैसे ही सात गुने में बजेगा, तो धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, ऐसे तो बजने से रहा, है ना, तो वो चीज़ें बाद की है, लेकिन पहले उसको उस छंद में बिठा लो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, और जब ये हो जाता है तो अलंकार भी बजा सकते हो, जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सा रे ग म प ध नि, रे ग म प ध नि, सा सा नि ध प म ग रे, नि ध प म ग रे, सा सा रे ग म प ध नि, सा सा नि ध प म ग रे, सा सा रे ग म प ध नि, सा सा नि ध प म ग रे, सा। तो ये कैसे सात गुने से हम बराबर की लय में घुस गए, तो ये पूरा पेज आपको समझ आएगा जब ये आठों लय ऐसे अभ्यास करने में आ जाएंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होगे। इसके बाद एक बार कोशिश करना उन तालों को प्रैक्टिस करने की, लेकिन उसके लिए पहले गिनती, मेरा बार बार यही कहना है कि पहले गिनती में कर लीजिए अच्छे से, तभी आप शब्दों में आ पाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोज देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और एंड स्क्रीन में जो वीडियोज आते हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि वो इससे रिलेटेड ही होते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।